तो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन है, साथ ही सोशल दूरी का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन भरतपुर के एक सरकारी स्कूल में इन निर्देशों की धज्जियां उड़ाई गई है। दरअसल बुधवार को अफवाह के चलते स्कूल में जरूरतमंद लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और राशन सामग्री लेने के लिए राशन स्टोर तक घुस गए। हालांकि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू किया। यहाँ पर राशन का स्टोर है और कोई कमी नहीं है, लेकिन वार्ड से आवश्यकता अनुसार और हमारे जो माध्यम से जो हम जानकारी ले रहे हैं, जो अधिकारियों की तरफ से भी मैसेज आ रहा है, तो उनका राशन जो उनके घर पर ही भिजवाया जाएगा। यहाँ से आप ये संदेश कर रहे हैं कि यहाँ से कोई लेने के लिए नहीं है। आज काफ़ी संख्या बाहर लोग इकट्ठा हो गए थे, कुछ वार्ड पार्षद भी वहाँ पर था। एक दो व्यक्ति आ गए हैं, दो चार लोग वाले विशेष आवश्यकता वाले, तो उनको व्यवस्था कर दी गई थी। बाकी यहाँ से वितरण की व्यवस्था नहीं है। हम अपनी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग की पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैंने स्वयं भी मास्क लगा रखा है और ये मेरे पास ये सैनिटाइजर भी मैं मेरी जेब में रखे हुए हूँ और सभी के मैं आपको भी लगा सकता हूँ, तो इस तरह का हम तो ध्यान रख रहे हैं।